हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज 1 मंथ हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांट को। स्टार्टिंग के 2-3 दिन पेन किलर खाने के बाद कोई भी दर्द वगैरह कुछ भी रहा नहीं था। पेन किलर खाने के पहले जब पहुंचा था तो हल्का सा पेन रहा था, लेकिन उसको खाने के बाद सब चला गया था। आज 1 महीने हो चुके हैं, मैं सेकेंड PRP के लिए और फॉलोअप के लिए आया हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, मेरे शायद इस साइड के बाल 30-40% या 50% बाल नीचे आ चुके हैं, जैसे बताया गया था शेडिंग फेज में, और भी 1 महीने तक ये नीचे आता रहेगा। मैं इस क्लिनिक से कॉन्स्टेंटली टच में हूँ, इनफैक्ट हर 1 हफ्ते में किसी ना किसी से बात हो जाती है कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट और कोप अप करते हैं मेरे साथ और गाइड करते रहते हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। आज सेकेंड PRP हो जाएगा और FUT ट्रांसप्लांट हुआ था, और उसमें कोई खास पेन होता नहीं है। मतलब आप मेडिसिन लेंगे और विद इन 3-4 दिन पेन किलर चलती हैं, 3 दिन उसके बाद एकदम नॉर्मल फील होता है, उसके बाद आप आराम से सो सकते हो। 2-3 दिन थोड़े प्रिकॉशंस रखने होते हैं, बाकी अभी तक जैसा इन्होंने गाइड किया था मैं वैसा करते रहा हूँ, तो सब कुछ एकदम नॉर्मल और परफेक्ट है अभी तक के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये बेस्ट क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ के सारे लोग जो हैं वो बहुत कोऑर्डिनेटिव हैं और आपको हर स्टेज पे गाइड करते रहेंगे। इनफैक्ट आप पर डे भी उनको फोटोज भेजोगे या कोई डाउट पूछोगे तो वो आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। थोड़े बहुत पिंपल्स हल्के फुल्के आए थे, तो इन्होंने बोला था फ्यूसिलिन लगाने को, तो मैंने फ्यूसिलिन 1-2 दिन अप्लाई किया और उसके बाद वो पिंपल सेटल डाउन हो गए। 1-2 पिंपल यहाँ पे बचा है, तो अब मैं लगाना छोड़ दिया हूँ, वो अपने आप ड्राई हो गया है तो वो सही हो जाएगा। बाकी सब कुछ देखते हैं रिजल्ट। 3rd मंथ से इन्होंने बोला है कि थोड़े से हेयर ग्रोइंग स्टार्ट होगी, अभी तो शेडिंग फेज है, शायद और बाल इधर के भी जाएंगे, तो जैसे ही ये शेडिंग फेज खत्म होगा उसके 3rd मंथ से बाल ग्रो होना चालू होंगे। तो देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट रहता है। थैंक यू।